Hey everyone, welcome to my channel tutorio. मैं हूँ शोभित और इस ट्यूटोरियल में हम Illustrator के न्यू 3D ऑप्शंस को यूज करके बनाएंगे 3D एप्पल। तो चलिए सीखते हैं। जो भी कलर्स हम अपने आर्ट वर्क में यूज करने वाले हैं उन्हें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्लेस करके रखा हुआ है। एक और पैनल की हमें ज़रूरत होगी जो मिलेगा विंडो मेन्यू में 3D एंड मटेरियल्स। इस पैनल को ओपन कर लेते हैं। इस पैनल में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हम फिलहाल वही ऑप्शन यूज़ करेंगे जिनकी हमें इस आर्टवर्क में ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम अपने आर्ट बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे एक सर्कल और इस सर्कल में यहाँ पे प्लेस किया हुआ ये एप्पल रेड कलर फिल कर देंगे। इसके बाद इस सर्कल में हम अप्लाई करेंगे रिवॉल्व, जिससे हमें अपना सर्कल एक डोनट के फॉर्म में दिखाई देगा। अब इसे हम कुछ इस तरह से स्केल करेंगे, इस कॉर्नर से थोड़ा सा रोटेट करते हैं जिससे हमें एप्पल जैसा फॉर्म बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है तो इसे हम एंकर पॉइंट टूल की हेल्प से करेक्ट करेंगे। आप इस पाथ को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं और जब तक कि आपको अपना अप्रोप्रिएट शेप नहीं मिल जाता तब तक आप इसे सेट कर सकते हैं। इस हैंडल को थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं, इस शेप को थोड़ा सा और स्केल कर देते हैं, थोड़ा सा रोटेट एंड दैट्स इट। तो कुछ इस तरह से हमें एप्पल का ये 3D शेप मिल जाएगा। अब हम लेंगे रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल की हेल्प से हम बनाएंगे इस एप्पल का स्टेम। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी साइड्स को कुछ इस तरह से कर्व कर लेते हैं एंकर पॉइंट टूल की हेल्प से, ऊपर से भी। अब इसमें हम इस ब्राउन कलर को फिल कर देते हैं और अब लेते हैं पेन टूल और पेन टूल से हम यहाँ पे साइड में भी स्टेम ड्रॉ करेंगे जो कि कनेक्ट करेगा लीफ को। थोड़ा सा आर्क करते हुए कुछ इस तरह से हम अपना शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद वापस से पेन टूल की हेल्प से एक लीफ का फॉर्म हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहें तो बेसिक शेप्स की हेल्प से भी इसे कट करके ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें फिल कर देंगे हम इस कलर को। थोड़ा सा स्केल कर देते हैं और इस स्टेम को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं ताकि ये लीफ के ऊपर आ जाए। रोटेट करके थोड़ा सा और पोजीशन कर लेते हैं। अब इन दोनों शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करके इन्हें ग्रुप बना लेते हैं और इसे 3D बनाने के लिए इसमें अप्लाई करेंगे इन फ्लैट और इसकी वैल्यूज को हम चेंज करेंगे। डेप्थ ये हमें रखना है 0 और वॉल्यूम यहाँ पे हम वैल्यू डिफाइन करेंगे 30। इन फ्लैट बोथ साइड्स के चेकबॉक्स को हम ऑन करेंगे और इसे रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे हम वैल्यू डिफाइन करेंगे 30 डिग्री। अब हम स्टेम को 3D में कन्वर्ट करते हैं तो सेम इसमें भी हम अप्लाई करेंगे इन फ्लैट। यहाँ पे डेप्थ हम डिफाइन करेंगे 0, वॉल्यूम हम 100% रखेंगे और इनफ्लेट बोथ साइड्स के चेकबॉक्स को ऑन करेंगे। इसमें भी हम यहाँ पे रोटेशन डिफाइन करते हैं -30 डिग्री। इस स्टेम को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं ताकि वो लीफ के ऊपर आ जाए और इसे यहाँ बॉटम पे प्रॉपरली पोजीशन करते हैं। लीफ को भी थोड़ा सा और पोजीशन कर लेते हैं। तो ये देखिए, इससे हमें अपना 3D एप्पल का फॉर्म मिल जाएगा। और अब हम इसके मटेरियल्स और लाइट पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं मटेरियल्स में, बेस मटेरियल एंड जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है।
हमें सिर्फ प्रॉपर्टी पैनल में जाना है। तो इसे एक्सपेंड कर लेते हैं और यहाँ पे दो प्रॉपर्टी मिलेंगी, रफनेस एंड मेटेलिक। रफनेस की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे 0.2 और मेटेलिक की भी वैल्यू हम डिफाइन करेंगे 0.2। दोनों की हमें वैल्यू सेम रखनी है। इसके बाद हम जाएंगे लाइटिंग में और इंटेंसिटी हम डिफाइन करेंगे 85, रोटेशन इसकी वैल्यू हम रखेंगे 0, हाइट इसे हम डिफाइन करेंगे 30 एंड सॉफ्टनेस इसे हम डिफाइन करेंगे 80 एंड लास्ट इंटेंसिटी इसकी वैल्यू हमें डिफाइन करना है 90%। नीचे हमें शेडो की प्रॉपर्टी भी मिलती है, यहाँ पे शेडो को हम ऑन कर देंगे। शेडो की पोजीशन बिहाइंड ऑब्जेक्ट है जिसे हम चेंज करेंगे बिलो ऑब्जेक्ट, जिससे शेडो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। शेडो बाउंड हमें फुल रखना है मैक्सिमम 400%। और लास्ट में रेंडर विथ रे ट्रेसिंग ऑप्शन को ऑन कर देंगे, जिससे हमें अपने एप्पल का रियलिस्टिक लुक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेडो में भी काफ़ी सॉफ्टनेस ऐड हो गई है। इस लीफ के भी मटेरियल को चेंज कर देते हैं, रफनेस इसकी भी सेम एप्पल के जैसे हम सेट कर देते हैं और इसकी लाइटिंग की सेटिंग को भी एप्पल की तरह ही डिफाइन कर देते हैं। सभी की वैल्यू प्रीवियसली सेट की हुई वैल्यू की तरह ही हम सेट कर देते हैं। इसमें शेडो हमें डिफाइन नहीं करना है। स्टेम में भी हम सेम वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। और इस स्टेम को थोड़ा सा और नीचे की तरफ लेके आते हैं, बट ये हमारे हाइलाइटेड एरिया के ऊपर आ गया है, जिसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। इसके इतने पार्ट को मास्क की हेल्प से हाइड कर देंगे, जिसके लिए हम ड्रॉ कर लेंगे एक शेप अपने स्टेम के ऊपर। मैं पेन टूल यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी टूल से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टेम और इस पाथ को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिससे हमारा उतना एरिया हाइड हो जाएगा और हमें अपना स्टेम प्रॉपरली कनेक्टेड दिखाई देगा। इस लीफ को भी हम रेंडर कर देते हैं, जिसके लिए हम ऑन करेंगे इस आइकॉन को। रेंडर सेटिंग में क्वालिटी हम डिफाइन करेंगे हाई और इस रिड्यूस नॉइस चेकबॉक्स को भी हमें ऑन रखना है। इसके बाद रिमेंबर एंड अप्लाई टू ऑल चेकबॉक्स को भी हम ऑन रखेंगे, जिससे जितने भी 3D एलिमेंट्स हमारे आर्टबोर्ड में होंगे सभी में सेम सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। और लास्ट में हम क्लिक करेंगे रेंडर बटन पे। प्रोसेस होने के बाद इफेक्ट लीफ पे अप्लाई हो जाएगा और सेम सेटिंग हम अपने इस स्टेम पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आर्टबोर्ड में बनाए हुए हर एक 3D ऑब्जेक्ट में सेम सेटिंग अप्लाई हो गई है। तो कुछ इस तरह से बेसिक शेप्स और इन इजी मेथड्स को यूज़ करके ये 3D एप्पल बना सकते हैं। ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ भी मेरे ट्यूटोरियल्स को शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही, तब तक सीखते रहिए।